नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव अगर गठबंधन से निकालते हैं तो इस बार बसपा से गठबंधन करेंगे। इसी के मद्देनजर बसपा मुखिया मायावती से मुलाकात भी की। इसके साथ ही अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान के मुद्दे पर बोलने से डरते हैं, वो सीएम से मिले तो कुछ नहीं हुआ, अगर मैं मिल लूं तो अखिलेश को नगवारा रहता है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है। इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस साल का पूरा सावन महीना ही बहुत ही खास होने वाला है और सावन मास 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना संकट होने के कारण कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु पर मायूसी थी, लेकिन इस बार सभी प्रकार की पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए हैं। ऐसे में उत्साह भी अधिक देखने को मिला कांवड़ियों के चेहरे पर। सच्चे दिल से जो भोले बाबा का जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता पार्वती इस पर खुश होती, गणेश भगवान खुश होते हैं जो सच्चे कामना से भोले बाबा का दर्शन करता है। सच्चे मन से सभी देवी देवताओं को नमस्कार करता है, उसकी जय हो। जनपद अयोध्या में विशेष तौर पर जो सरयू घाट है वहाँ पर भारी संख्या में जो शिव भक्त है वो आते हैं और जल यहाँ से लेते भी हैं और यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाते भी हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी हुई है। घाटों पर विशेष तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें SDRF और PAC की जो फ्लड कंपनी है उसको डिप्लॉय किया गया है। औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर युवक नाबालिग बच्ची को बहलाकर पहले जंगल ले गया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाया। वहीं पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी करने पर ये पता लगा है कि 16 तारीख को शाम को 5 बजे एक व्यक्ति उनके गांव का उस बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था और जंगल में उसके साथ ये घटना की। खबर हरदोई से है, जहां थाने के अंदर रोती एक मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बच्ची दुकानदार के सामने किताब के दाम से ज्यादा रुपए लिए जाने को लेकर रोती बिलखती नजर आ रही है। इस मामले के बाद थानेदार ने महिला कांस्टेबल को भेजकर उक्त बच्ची के पैसे वापस दिलाए और उसको किताब दिलाई। इसमें यह ज्ञात हुआ है, कस्बा माधोगंज, थाना माधोगंज हरदोई में है कि एक बालिका कक्षा 11 में पढ़ती है, किसी स्थानीय दुकानदार द्वारा जो है उसको अधिक पैसे चार्ज कर लिए गए थे पुस्तक का, जिससे वो उसने अपने आप को पीड़ित महसूस किया और थाने पर जाकर के अपनी बात कहना उचित समझा। थाना अध्यक्ष माधोगंज द्वारा उसकी पूरी बात सुनी गई और न सिर्फ उसके जो है पैसे वापस दिलाए गए बल्कि अन्य भी जो चूँकि वो एक अल्प कमाई वाले परिवार से आती है, अन्य भी पुलिस द्वारा सहायता की गई जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस
को बड़ी सफलता मिली है। बता दें पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से गुम हुए 111 सेल फोनों को सकुशल उनके मालिकों को लौटाए हैं। वहीं सेल फोन वापस पाकर मालिकों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली, जिसके बाद लोगों ने अपने सेल फोन वापस पाकर कमिश्नरेट पुलिस को धन्यवाद दिया। आज सर्विलांस सेल पश्चिम जोन द्वारा कुल 111 मोबाइल जो खोए गए थे, जो गुमशुदगी दर्ज किए गए थे, उन मोबाइलों का बरामदगी किया गया है। इन सभी मोबाइलों का कुल लागत लगभग 16.5 लाख रुपए है और आज इन सभी जो मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनको वितरित किया जा रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्या शाखा में एक वृद्ध ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन आइडियल होटल में किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की लखनऊ अंचल के अधिकारी गिरीश कुमार और क्षेत्रीय प्रमुख सर्वेश कुमार सिन्हा के साथ साथ जिला कृषि अधिकारी बाबूराम मौर्य और गोरखपुर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इन लोगों ने बैंक की खूबियों को और ऋण लेने, चुकाने और समय अवधि को बखूबी अपने किसानों को समझाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 30 किसानों को 3 करोड़ के ऊपर की धनराशि को किसानों में ऋण देने का काम किया गया। इसके साथ ही किसानों को सम्मानित भी किया गया। हमारे जो 14 क्षेत्रीय कार्यालय में सभी जगह पे इस तरह के वृद्ध कृषि ऋण का आयोजन किया गया है हमारे बैंक का बड़ा अंचल कार्यालय के द्वारा, और इस मौके पर हमारे महाप्रबंधक कृषि भी आए हुए हैं। वो लखनऊ देहात में उन्होंने अटेंड कर रहे हैं इसी तरह के बृहद कृषि ऋण शिविर को पलिया में। मेन उद्देश्य इस कृषि ऋण का आयोजन का यही है कि प्रदेश में कृषि ऋण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कृषि ऋण में जितना उम्मीद की जा रही है बढ़ोतरी की, उतना हो नहीं रहा। तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही तत्पर है, इसीलिए हर जिले में कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन करना, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए वहाँ के किसानों के बीच में जा करके सभी शाखाओं को बोला भी गया है कि आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम करीब 15 दिनों से हमारा कृषि पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को बेहटा अंडरपास पर चेकिंग के दौरान रोका, तो बाइक पुलिस को देखकर सवार तेजी से भागने लगे। इसके साथ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस टीम ने बदमाशों की घेराबंदी कर फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पंथला फाटक पर थाना लोनी बॉर्डर के द्वारा किया जा रहा था, उसी दौरान लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर तेजी से मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ उन्होंने गोली चलाई। जवाबी अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के एटा चुंगी कुंवर नगर कमालपुर में एक परिवार ने कुछ दिन पहले फाइनेंस से बाइक फाइनेंस करवाई थी, जिसका पेमेंट चेक से पूरा कर दिया गया, लेकिन बावजूद उसके फाइनेंसर परिवार को तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। फाइनेंसर का कहना है कि पैसा तो तुम्हारा ब्याज में बराबर हो गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार SSP ऑफिस पहुंच गया, जहां पर फाइनेंसर की शिकायत की गई। पीड़ित परिवार ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल SSP ने मामले की जाँच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पैसे लिए थे क्योंकि उनके पास 4-व्हीलर गाड़ियाँ थी सर, जिसके जो पैसे लिए थे कुछ अलग अलग उसमें पैसे लिए थे डैडी ने, मतलब उनके पैसे जो निकाल किसका द्वारा दे दिए हैं। फिर भी जब हम अपने चेक और स्टाम्प मांग रहे हैं तो हमारे घर पे आकर धमकियाँ दे रहे हैं कि जो तुमने पैसे दिए थे वो ब्याज में कर चुके हैं और हमारी हमें मूल वापस की थी। मूल मांग रहे हैं आपका, हम किराए पर रह रहे हैं, हमने घर मकान दुकान सब देख के दे दिया पैसे।
खबर बिजनौर से है जहां पुलिस ने दो शातिर पशु चोरों को चोरी की गई महिंद्रा पिकअप और 90,000 की नकदी और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है और न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि चोर पशुओं की चोरी कर उनको महंगी राशि में बेचकर पैसा कमाते थे। गांव में पशु चोरी हुई, शहर में भी एक जगह से पशु चोरी हुई थी जिसमें कटरे छोड़ के ले गए थे खोल के। इसी संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक आउटर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से जो पिकअप और इस तरह के वाहन जा रहे हैं छोटे, उनकी प्रभावी चेकिंग की जाए। इसी चेकिंग के दौरान बीती रात में सेंट मैरी चौराहे पर एक पिकअप गाड़ी जो कि बिना नंबर की थी उसको रोका गया, तो उसमें दो व्यक्ति पकड़ में आए। खबर फरुखाबाद से है जहां पर दक्षिणी कश्मीर पुलवामा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया जिसमें दत्तू नगला के सीआरपीएफ के जवान नायब सूबेदार विनोद पाल शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। योगेंद्र ने बताया कि अंतिम संस्कार पैतृक गांव नगला विधि में होगा। कानपुर में आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। शहर की अनिका गुप्ता ने नेशनल टॉप किया है जिनको 99.8% अंक मिला है। बोर्ड ने अपने नेशनल टॉपर्स की सूची जारी की है जिसमें सीलिंग हाउस की अनिका गुप्ता का नाम पहले पायदान पर रहा। 10वीं में 80% बच्चों के 90% अंक आए हैं। इसी तरह रतनलाल नगर के चिंटर्स स्कूल की श्रेया श्रीवास्तव ने 99% अंक हासिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने नेशनल टॉपर अनिका गुप्ता से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। मेरा नाम अनिका गुप्ता है। आज आप टॉप किया है, आपने देश में नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग है। एक साथ तक कुछ हो रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस तरह का प्रयास किया आपने? हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो थी, और पर डे मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे तो ऐसा कुछ बर्डन नहीं लगा। श्रेय देना चाहेंगी आप सफलता? मैं अपने स्कूल शीलिंग हाउस स्कूल और सारी टीचर्स को, बहुत सपोर्टिव थी। मेरी फैमिली भी, वो हर समय मुझे मोटिवेट करती रहती थी। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? ऑन एन एवरेज जब एग्जाम्स पास नहीं होते तो 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी तो करती ही थी। अच्छा, आजकल युवाओं में जो सोशल मीडिया का क्रेज़ और मोबाइल का क्रेज़ बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सोशल मीडिया अगर क्लास 10 में यूज़ भी कर रहे हैं तो फिर बैलेंस होना चाहिए, कि ये नहीं कि सोशल मीडिया ही और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं। बैलेंस होगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आगे अब क्या करने की इच्छा है, क्या बनने की इच्छा है? अभी मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आगे का तो यही सोचा है कि डॉक्टर बनेंगे। शाजापुर में डॉन डोना कॉन्वेंट स्कूल में आईसीएसई बोर्ड के हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। डॉन डोना कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा नित्या गुप्ता और शगुन बाथम के साथ अक्षत मिश्रा ने 94% अंक पाकर स्कूल में टॉप किया है। पहले नंबर पर नित्या गुप्ता तो वहीं शगुन बाथम स्कूल की दूसरे नंबर पर टॉपर बनी। स्कूल में छात्रों की सफलता के खुशी के मौके पर शिक्षकों ने और माता पिता ने को मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। मैंने बहुत मतलब मेहनत से पढ़ाई करी थी टर्म 2 के लिए, और मुझे मतलब भविष्य में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रिपरेशन करनी है, उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी। मेरा नाम नित्या गुप्ता है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, और 10th class में मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करी है सीरियसली होकर, और मेरे टीचरों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। आगे क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को अपना बिजनेस चलाना है, बिजनेस वुमेन बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है मेरे को। 12th के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन होपफुली मैं आउट ऑफ इंडिया करूँगी, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि आउट ऑफ इंडिया करेंगे हम लोग, और फिर जैसी मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगी, वहीं पर सेटल हो जाऊँगी। लोगों के मार्क्स इनकी बच्चों की अपनी मेहनत और इनके जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं उनकी भी बहुत मेहनत रही इनके साथ में, और इसी वजह से ये बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, और सारे बच्चे अच्छी तरीके से पास हुए हैं। 82% से कम किसी के मार्क्स नहीं हैं और 94% टॉपर के मार्क्स हैं। मेरा 10th class का निकला है। कहाँ पढ़ते हैं? डॉन एंड डोना। कितनी परसेंट आई आपकी?
93.2%. तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? सिविल सर्विस क्यों जाना चाह रही हैं आप? क्योंकि जो देश में करप्शन और GST का घाटन का चल रहा है, तो उसको मुझे ठीक करना है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही हैं, लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो उसमें भी मुझे रुकावट लानी है. आप किस तरीके से तैयारी की? मैं दिन में 8 घंटे पढ़ती थी, ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान देती थी और खेल कूद में भी. खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने और लोक सेवा के नाम में बाधा डालने वाले 19 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके बाद प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. प्राइम देश में फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी. आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार.